हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अच्छे हो गए और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज। किसके लिए? एसएससी पीओएस पेरेंट्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो ये डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आप लोगों ने कमेंट किया था कि सीरीज को सर बरकरार रखना जब तक हमारी एग्जाम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे पास टाइम है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपने कल कर लिया था, ये है पार्ट टू कल की वीडियो का। पार्ट वन का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। जितनी भी तीन चार वीडियो या छठवा पार्ट है, तो पांच पार्ट अपन ने पहले कर लिए हैं, उनको भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है इजी क्वेश्चन है। एक्स प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर 98, एक्स प्लस वन अपन उसका मान ज्ञात करना है। तो आप देखो यहाँ पे एक्स प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर दे रखा है, प्लस टू जोड़ेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। 98 प्लस टू किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का। तो ये क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या जाएगा? 100। और ये क्या जाएगा? वन अपन एक्स बराबर इसका होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट 100, तो 10 आ गया। अगर मान लो यही ये पूछता कि एक्स माइनस वन अपन एक्स की ज्ञात करो, तो आपको पता है कि इसमें क्या जोड़ना पड़ता? माइनस दो। तो क्या हो जाता है? एक्स प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू बराबर 98 माइनस टू, ये आ जाएगा 96। और यहाँ क्या हो जाता? एक्स माइनस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर बन जाता। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? एक्स माइनस वन अपन एक्स की रूट 96। तो इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली था। इसको थोड़ा देख लेना। जिन लोगों को प्रॉब्लम है अलजेब्रा से, तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं कि इससे इसमें जाने में क्या दिक्कत है। जो दिया होता है उसमें क्या करते हैं अपन, जैसे यहाँ पे एक्स बी दिया है, तो बी का अंडर रूट कर देंगे प्लस दो जोड़ के, ठीक है, ये कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस का ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो भी संख्या हुई है उसमें से दो माइनस कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे पूरे का। तो ऐसे कुछ चीज़ें याद कर सकते हो। इसका पूरा अगर आपको फॉर्मेट चाहिए सर ऐसे क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन था, इसके जितने भी पैटर्न बनते हैं, जितने भी टाइप के, हमको बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो ये कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनका अंतर यह है 395 बने, ठीक है। मान लिया बी एक संख्या मान ली, ए दूसरी मान ली, तो नवीन नया ये हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत एक्स वाई मानने में किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को डिवाइड किया जाता है छोटी संख्या से, तो भागफल इतना आता है, ये आता है। तो ठीक है, ये ऐसे कह रहा है कि छोटी संख्या जैसे ये है, बड़ी ये है, इसको डिवाइड किया 12 भागफल आया और 13 रिमाइंडर आया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चेंट है, डिवीजर है, तो आपको पता है इंग्लिश वालों को कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, कि डिवीजर गुना क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। और हिंदी वालों को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये बी बराबर क्या आ जाएगा? इससे बी बराबर आ जाएगा इससे 12 प्लस, ये थोड़ा बड़ा हो गया, 13। तो कोई प्रॉब्लम, इससे इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा? ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 11 प्लस 13 बराबर क्या आ जाएगा? 3951। कोई प्रॉब्लम इसमें? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 11 बराबर क्या आ जाएगा? 3938। इससे से भाग दो, ए की वैल्यू आ जाएगी 1133 बटे 6, 11 55 358 आ जाएगी। अब 358 को इसमें जोड़ दो, यही बी का बड़ी संख्या का वो आ जाएगा मान 358। यहाँ क्या जाएगा? 9 10 3 4। तो इसका योग पूछा है बड़ी संख्या का, तो 4 3 7 9 16। ऐसे क्वेश्चनों को आप एक क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वापस कमेंट करना कि सर ऐसे क्वेश्चन ना मेरे को दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा और क्लियर करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रीना वीना ये करके ये 4 घंटे में करती है और 12 घंटे में करती है, उसके साथ कार करते हुए कितने समय में पूरा कर सकती है, ठीक है। आपको एक जनरलाइज आइडिया लेना है, ऐसे नहीं पढ़ना कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपने फटाफट पढ़ा कि ये डाटा तो बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ तो आए। तो आपने देखा रीना वीना है, कार है, 4 घंटे में कर रही है एक साथ कितने दिन, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता चल गया, तो फटाफट करो। आपको पता है 4 8 12 ये इनके घंटे के टाइम है। अब टोटल काम ज्ञात करने के लिए एलसीएम मेथड राकेश सर का लेंगे, तो इसमें एलसीएम निकाल लो इन तीनों को, कितना जगह 24। तो यहाँ 4 6 24 8 3 24 12 3 24, ये किसका रेशियो आ जाता है? एफिशिएंसी का, ठीक है। अब जब एक कितने में कर रहा है, तो टोटल में कितने में कर रहे हैं? 6 और 3 9 9 प्लस 2 11, तो 24 काम है, 11 एफिशिएंसी है। तो कितना टाइम लगेगा? 2 सही 2/11, तो ये आंसर आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये एलसीएम मेथड ईजी पड़ता है, इसलिए मैंने इसको अडोप्ट किया। अडोप्शन का रीजन होता है कोई कि इससे टाइम बढ़ता है। अगर मैं वैसे भी जानता हूँ, जैसे मैं पहले करता था 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 एलसीएम लेके पढ़ता, वैसे ही है। तो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो तो उसको अपना सकते हो, किसी भी बुक के नए मेथड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 120 360 और इसका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही चीज में, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, देखो 0 0 आ रही है, तो 0 1 में आ रही है 30, तो इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट आंसर पुटअप कर रहा हूँ। आपको देखो लॉजिक है, 0 आ रहा सब में, तो 0 कॉमन होगा, 0 और किसी से बन नहीं रहा, तो सीधे सीधा आंसर हो गया।
तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आप देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है कि एक से डेढ़ मिनट लगते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपका अगर प्रैक्टिस है तो आप फटाफट करने की कोशिश कर सकते हो पहले अटैम्प्ट। अगर पहले अटैम्प्ट आपका इसमें गलती हो जाती है तो छोड़ो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसमें फॉलो जो होता है बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये वाला फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोर्ड मास, ठीक है। अब इसको फॉलो करो, इसमें क्या होता है, इसको लिख लो फटाफट, का वाला ऑफ, इंग्लिश वाले ऑफ समझें इसको, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो आठ स्क्वायर ये हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 144 गुणा 1/8, ये ब्रैकेट हो गया माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट ले लेते हैं तो अब 16 प्लस 28 का गुणा 7 हो गया बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हो गया तो इसको काटोगे 7, ये 49 हो जाएगा, और ये 16 हो गया तो 16 प्लस 49, और इसको काटोगे तो 18, ये कट गया, ये 18 बार कट जाएगा तो 18 यहाँ से आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे माइनस 2 ये जाएगा 47, तो 47 इस यहाँ तक आ गया अपना, यहाँ तक, ठीक है। अगला सॉल्व करते हैं, 25 का हो जाएगा 625, मैं यहाँ से डायरेक्ट ले रहा हूँ 25 का डायरेक्ट 625, और फिर उसके बाद क्या जाएगा प्लस, इसका लिखोगे 8/8 आ जाएगा माइनस, 47 था ही, 8/8 एक आ गया, ये कितना हो गया 46 माइनस का, और 625 में से 46 घटाओगे तो 9 आएगा, तो 579 करीब आंसर आएगा, ठीक है। घटा लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या कराएगी, ये कराएगी चुनाव हुआ 85% मतदाताओं ने वोट डाला, उसके बाद 4% इनवैलिड हो गए वोट, फिर उसके कराएगी उम्मीदवार को मिले 6,936 वोट जो कि वैध मतों कितने थे, टोटल मत ज्ञात करना है, ठीक है। तो उल्टा चलना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में, आपको क्या करना है, 6936 जो दे रखा है इन्होंने वो क्या है, जो बचे हैं आपके, ये जीता है कितने वैध मतों के, 85% इसको मिले थे, ठीक है। तो 85% वैध का ये है, तो मैं इसको काट रहा हूँ 17 5 बार, और मतलब एक रेशियो ले लिया मैंने, यहाँ पे आएगा 85/100, तो मैंने 17/20 कर दिया, 17 का मान ये है, 20 का मान आपको वैध मत आ गया आपके पास, तो वैध मत आ गया। अभी वैध मत क्या है कि ये कह रहा है कि 4% अवैध मत घोषित कर दिए थे जितने मत डले थे, तो ये कह रहा है कि 96 का वैध मत थे, अब टोटल जो मत डले वो ये हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो मत डले थे वो कह रहा है 85% थे, ये देखो ये कह रहा है 85% थे, तो 85% वही हो गया कि 17 का मान ये दे रखा है, तो टोटल मतदाता ये हो गया, ठीक है। अब काटा पिटी करनी है तो काटो 17 4 68 0 17 8 136, फिर दोबारा काटोगे 17 2 34 17 4 68 24 से इसको काटोगे 4 बार एक कट जाएगा, 4 5 20 5 बार एक कट गया, 20 5 100 100 × 100 करोगे 10,000 आंसर आ जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है कि उल्टा चलना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, सेम क्वेश्चन है चुनाव वाला, तो ये कह रहा है कि वैध मतों का 60% प्राप्त किया और 180 मतों से निर्वाचित हो गया। आप सोचो जो वैध मत थे वो कितने थे, 100%, मतलब 100% थे, जितना हुआ उसका 100% ही थे, वैध मत 100% थे, उनका 60% एक को मिल गया तो बचा कितना 40% दूसरे को मिला, तो टोटल कितने का डिफरेंस रहा 20% का, तो 20% वैध मतों का मान बता रखा है, टोटल कितना 100% कितना 180 मतों जीता है, तो काट लो, ये काटोगे 5 180 5 900 आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का वो लगाना है, फॉर्मूला सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रेन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्री हैं, उन दो व्यक्ति हैं, उनको 12 सेकंड में बात करिए, ट्रेन की गति याद करनी है, तो कोई बात नहीं माँ, आप देखो ये बंदा एक और एक ये बंदा एक, ठीक है। ये चल रहा है 4 से और ये चल रहा है 6 किलोमीटर से, और एक ट्रेन है, ट्रेन कैसी मान लो आप जो भी मान लो, फोटो वोटो मेरे को ज़्यादा बनाने आते नहीं, ठीक है। तो ये चल रही है कुछ स्पीड से 20 है, तो हम मानो इनकी रिलेटिवली स्पीड क्या हो जाएगी इस व्यक्ति की, हो जाएगी रिलेटिवली स्पीड क्या हो जाएगी इस व्यक्ति की, इस ट्रेन के मजे, तो व्यक्ति को रोक दो तो v-4 ये इस व्यक्ति के लिए हो गई और v-6 ये इस व्यक्ति के लिए हो गई। अब आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज टाइम, बराबर डिस्टेंस टाइम, तो ट्रेन मतलब आप, आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल है, टाइम दे रखा है, तो अपन डिस्टेंस बराबर कर सकते हैं, मतलब ट्रेन की लंबाई ज्ञात बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर मैं क्या कर रहा हूँ, vt, डिस्टेंस बराबर vt, तो v1 t1 बराबर v2 t2 हो जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ v-4 को इसके टाइम से 12 से, और इसको v-6 को कितने से, इसके टाइम से 14 सेकंड से, ठीक है। मैं इसमें 5/18 नहीं लगा रहा हूँ किसी रीजन से, अगर इकाई यहाँ पे आप लगाओगे 5/18 दोनों साइड कट जाएगी, तो मैं नहीं कर रहा हूँ उसका, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे 2 × 12 2 × 7 = 14, अब इसको यहाँ ले जाकर सॉल्व करो, 6b-24 बराबर कितना आ जाएगा, 7b-42, वी बराबर क्या आ जाएगा, 42 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपन ने क्या किया है, सिर्फ डिस्टेंस बराबर करिए, यानी कि ट्रेन की लंबाई बराबर करिए और
VT से फॉर्मूला यूज, चाल और दूरी बटे से फॉर्मूला यूज किया है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अर्धगोला है, अर्धगोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दे रखा है, व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो अर्धगोला क्या होता है, ये अर्धगोले में आपको पता है कि ये वाला चीज क्या होता है, ये होता है वृत्त पृष्ठ, कर्व सरफेस होता है। तो ये हो जाएगा कितना, 2πr² और ये कितना हो जाएगा, πr² अभी कह रहा है कि टोटल, तो 3πr² उसका, इसका मान दे रखा है 462। अब इसको काट लो, 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 3 × 5 = 15 3 × 4 12। अब πr² 154 जब आता है तो आपको पता है कि r = 7 आता है। इसको 22/7 करके देख लेना, आंसर फटाफट आ जाएगा 22/8। जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो अपने को आदत पड़ जाती है कि r = कितना आने वाला है। तो r = जब 7 आ गया तो इसका व्यास पूछ रहे हैं तो 14 हो गया। अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो, 22/7 गुणा r² = 154, 22 × 7 वर्ग कटेगा तो r = 7 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सारे CPO क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको इजी क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, ये मैं मॉक थर्ड का पार्ट टू है, मैं 3-4 मॉक करा चुका हूँ तो आपको कॉन्फिडेंस के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है मध्य अनुपाती पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, आपको पता है कि ए बी ये संख्या है तो उनका रूट कर लेते हैं, ये मीन प्रोपोर्शन हो जाता है। तो आप करोगे 0.27 और 3 इनका रूट कर लो, पॉइंटों को मत देखो, तो आप 81 आ जाएगा, 81 का 9 आ गया, तो देखो 9 कहीं है भी नहीं। अब पॉइंटों का हेर फेर है, यहाँ पे 4 पॉइंट है तो 2 पर लगा दो, ऐसे करा करो, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करके। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 सेकंड में 20-30 सेकंड में 250 मीटर दौड़ता है, ठीक है, 1 किलोमीटर दौड़ में ए बी को कितनी शुरुआत दे ताकि दौड़ समान, मतलब ये कह रहा है कि ए तेज दौड़ता है और बी स्लो दौड़ता है, तो ए को कितनी डिस्काउंट दे, भाई तू भाग जा, तू इतना भाग जा फिर मैं भागूंगा, ऐसा वाला सीन। तो आप देखो कि ए दे रहा है 250 मीटर में, 250 मीटर को कर रहा है ए कितने में, 25 सेकंड में, और बी कर रहा है कितने में, 30 सेकंड में। अब देखो कि आपका वही फॉर्मूला v = dt, ठीक है, अगर वेलोसिटी सेम है तो डिस्टेंस को कवर करने में टाइम के अनुपात में ही लगेगा काउंट, जैसे ये 250 है, इसका 4 गुना मैं करूँ तो इसका 4 गुना ही टाइम लगने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 1 किलोमीटर कितने में करेगा, 1000 मीटर कितने में करेगा, 100 सेकंड में, और बी कितने में करेगा, 120 सेकंड में। कितना डिफरेंस आया, 20 सेकंड, बी 20 सेकंड डिले पहुंच रहा है, तो बी 20 सेकंड में कितना चलेगा उतनी छूट दे देंगे बी को, तो 20 सेकंड में बी चल रहा है 20 सेकंड में, जैसे 30 सेकंड में 250 चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 250/30, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, काटो 50/3 काट लो 166.67 आ जाएगा। अगर इसमें थोड़े बहुत भी आपकी स्पीड ज़्यादा लगी है तो मेरे को बता देना, देखो अगले मॉक में मैं कम कर दूँगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वास्थ्य है, वो 75,000 लैपटॉप की खरीदा उसने, अंजू को 10% हानि से बेच दिया और अंजू ने उसको प्रॉफिट बेच दिया, अंजू ने कितने में बेचा। तो देखो भाई सीधा सा, इसमें आप मान लो कि 10% की हानि पे उसने बेचा और 20% पे ख़रीदा, वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ जो मैं हर वीडियो में लगाता हूँ, x + y + xy/100। अब जो प्लस है वो प्लस, जो माइनस है वो माइनस, प्रॉफिट को लेते हैं प्लस में, डिस्काउंट को लेते हैं माइनस में, ठीक है। तो अब कर लिया अपन ने -200/100, काटोगे तो यहाँ पे आएगा 10 - 2 = 8% टोटल उसको यहाँ से यहाँ आने में लगा, मतलब यहाँ से उसने बेचा अंजू ने वहाँ तक की ये है 8% लगा। तो 75,000 का जब 8% निकालोगे तो 8.40 से 856 6,000 आएगा, तो 6,000 को जब उसमें जोड़ोगे तो 81,000 आंसर आ जाएगा, इतने में उसने बेचा। या तो आप ऐसे कर लो या डायरेक्ट फिर 108% कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये, तो इसमें कह रहा है 10% 5% क्रमिक छूट है, उसमें 342 रुपये में बेचा है, तो कुछ नहीं है इसमें, देखो 10% की छूट 100 पे 90 हो गया, 90 पे 5% की छूट 4.5 की छूट और दे दो, कितना बचा 85.5, ठीक है 85.5, 342 का मान दे रखा है, 100 का मान ज्ञात करना है, तो इसको काटो 0 लगाओ, 5 × 5 5 × 7 = 35 1, यहाँ पे करोगे 5 × 30 5 × 8 = 40 और 5 × 20 इसको काटोगे 4 बार कट जाएगा, तो 400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर वाले एक व्रत है, उसमें एक व्रत बना लिया फटाफट, उसमें कह रहा है कि जीवा ए बी है, ए बी जीवा मान ली ए और बी, फिर उसके बाद कह रहा है कि ये केंद्र से होकर गुजर रही है, केंद्र ओ से यानी केंद्र ओ मान लिया, से ए बी से होकर ए बी को सी पे काटती है, ओ से यानी गुजरने वाली एक रेखा है वो सी पे काट रही है, और सी पे कह रही है कि सी पे खींचा एक लंब है, लंब है ये, ठीक है, ओ सी की लंबाई जो दे रखी है 5 है और ये त्रिज्या ये हो गई आपकी, ये दे रखी है 13, तो इसका मान ज्ञात करना है।
तो ठीक है, आपको पता है कि मतलब केंद्र से जब किसी जीवा पे लंब डालते हैं तो उसको डिवाइड करती है आधी आधी, तो जब ये 13² - 5² आप करोगे तो 12 आएगा, 12 का स्क्वायर तो टोटल 12 हुआ कुल मिला के, तो यहाँ 12 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम पर में लगाओगे ना, देख ए बराबर क्या आ जाएगा, 13² - या ए है मान लो, तो 5² तो कितना आएगा, 12 आएगा सीधा, तो 12 दिन 24 ये इसकी जीवा की पूरी लंबाई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये समीकरण है, इनके दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, तो उभयनिष्ठ जब होता है तो उसकी एक कंडीशन होती है, कंडीशन किस में होती है, x² + bx + c a1 a2 = 0 और a2 x² + b2 x² + c2 = 0, इनके अब कॉमन मूल हैं, कॉमन मूल यानी रूट्स। ठीक है, ये हैं तो क्या करते हैं, तो एक कंडीशन होती है a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2, इसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, मतलब 1 मिनट पक्का लेगा ये किसी भी बंदे से, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करना और इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो इसको अपने क्या करने का, पहले क्वेश्चन जो दे रखी है वो इस फॉर्मेट में नहीं देगी तो उसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको एक्स वाले चेंज, पहले एक्स वाले में चेंज करो, एक्स स्क्वायर के साइड में कौन है, तो पहला से लेते हैं पहली वाली से अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 14x² है तो 14 यहाँ से आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 के, यहाँ पे x² हो जाएगा, प्लस rx तो एक ही है, प्लस 9 यहाँ पे और वहाँ से 24 के, तो 24 के -9 = 0। ठीक है, अगली क्वेश्चन ये वाली करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x² है तो 2 और यहाँ पे 7 है, प्लस 7 के x² प्लस यहाँ पे क्या px प्लस, और ये कह रहा है कि 24 के यहाँ पे आ जाएगा 60 के -3 = 0। अब आप ये वाली कंडीशन लगाओगे b1 / c2, तो यहाँ पे ये आएगा 14 + 21 / 2 + 7 p/q का मान पूछा है, ध्यान रखना है, r/p बराबर क्या होगा, 24 - 9 और 84 - 3। तो आपको पता है दो ले लो, ये दोनों ले लिए अपन ने, तो इससे ये 3 बार कट रहा है सीधा सीधा, तो r/p की वैल्यू 3 आ रही है, तो p/r की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो इसको थोड़ा ढंग से देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कह रहा है कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7/8 है, तो यदि पहली राशि 35 और दूसरी कितनी, आपको पता है 5 7 35 हो रहा है, तो 5 8 40 हो जाएगा, ये सी पी ओ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो थोड़ा लॉजिक लगाना कि पेपर इजी आता है तो आपको डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्धपरिमाप दे रखा है, सेमी पेरीमीटर और त्रिभुज PQR है, उनके अर्धपरिमाप यानी कि s - a s - b s - c दे रखा है इसने, अर्धपरिमाप भुजाओं के बीच का अंतर, तो क्षेत्रफल याद करना है। अब आपको पता चल गया कि यार जब s - a s - b s - c दे रखा है, तो ये तो मैंने हीरोइन फार्मूले में पढ़ा है, अब हीरोइन फार्मूला क्या होता है ये तो आपको पता होगा, s - a s - b s - c, s यहाँ पे क्या है सेमी पैरामीटर और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया का। ठीक है, तो डायरेक्ट जब दे रखा है तो आपको दिक्कत क्या है, ये तो आपको तीनों मिल ही रखे हैं, अब ये याद करना है आपको, तो आप सोचो कि होता क्या है, पैरामीटर होता क्या है, अर्धपरिमाप होता था a + b + c, तो जब इनका मान उन्होंने दे रखा है ये जो है 18 के बराबर, तो s बराबर क्या हो जाएगा पता चल जाएगा आपको, a बराबर क्या हो जाएगा, जैसे 18 = x - a दे रखा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा s - 18, ऐसे ही हिसाब को लिख रहा हूँ मैं, तो a + b + c / 2 होता है ना s बराबर, तो उसी को मैं लिख रहा हूँ, a का मान s - 18 हो गया, इसका हो गया s - 17 और इसका हो गया सारे प्लस हैं s - 25/2। अब करोगे तो 3s आ जाएगा, -18 17 करोगे 35 35 और 20 60 / 2, यहाँ पे s है तो 2s बराबर आ जाएगा 3s - 60, तो s बराबर कितना जाएगा 60, तो 60 यहाँ रख दो, बाकी 18 17 25 दे रखे हैं इन्होंने, तो क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो, एक तो 6 कॉमन आ रहा है तो 6 ले लो बाहर, यहाँ पे 10 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, अब 5 यहाँ से आ रहा है 25 से, तो ये ले लो 5 और क्या आ जाएगा 17, ये बचे 17 51 510 यानी 56 30, ये आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं था, एक फार्मूला था, फार्मूला बेस्ड था, तो आपको पता चल गया फिर से कि फार्मूले की कीमत है CPO में, CGL में भी होती है लेकिन CGL में क्वेश्चन कम होते हैं, तो वहाँ पे अपने एक कैपेसिटी कम हो जाती है कि यार फार्मूला बेस्ड अगर नहीं आया तो 1 के 2 कट जाएंगे, इसलिए अपन तैयार रहते हैं। CPO में अपने को डर रहता है कि यार 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वह जब फार्मूला बेस्ड आएंगे तो कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि एक कोचिंग है उसमें 45 छात्र हैं, अंग्रेजी की कीमत, अंग्रेजी का परीक्षा में औसत है 52, 40 के औसत पर 6 लड़कों की समूह छोड़ दिया
और 43 के औसत के 8 लड़के आ गए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब या तो आप एक नॉर्मल प्रोसीजर है सबसे पहले उसको बताऊंगा, फिर एक अगर आप लॉजिक लगा सकते हो तो वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले 43 × 52 कर लो, इतना कर सकते हो तो 90, ठीक है 25 225, ठीक है 0 4 3 2 ये आ गया। अब इसको 240 ये आपके गए हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है 240, और ये आपके आए हैं 43 8, ठीक है तो 8 दिया कितना हो गया, 8 दिया 24, 2 8 चौक 32 और 2 34, यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो 104 का डिफरेंस आ रहा है, तो 104 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 4 4 4 24 4, ये कितना है, ये है कितने का, आप करोगे तो 45 थे 6 चले गए और 8 आ गए तो प्लस 2 और हो गए तो 47 हो गए। तो अब इसमें भाग दो, अब भाग देना तो आना चाहिए आपको, तो आप दोगे तो ऑप्शन के हिसाब से फटाफट दोगे तो आपको क्या लगेगा, 5 का देख देख लो, 5 7 35 3 5 6 20 और 3 23 आ रहा है तो 5 वर्ड चला जाएगा, ठीक है तो 5 वर्ड दे लो, 5 7 35 3 5 6 20 235 और यहाँ पर चेक करता 9 और 47 2 94 यानी 52 आ गया, ठीक है ये तो आपका कैलकुलेशन से आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन एक लॉजिक वाला मैं बताता हूँ आपको, तो देखो सबसे पहले कि 52 था, ठीक है अब इसमें से कह रहा है कि 40 के 6 लड़के चले गए, ठीक है 40 के 6 लड़के चले गए, ओके तो आप देखोगे 40 के जो 6 लड़के गए हैं और 43 के आए हैं, मान लो यहाँ 6 ही आते तो 6 आते तो रिप्लेसमेंट होते, मतलब 6 आते तो अगर ज़्यादा होते तो टोटल कुछ तो डिफरेंस आता, तो मानो कि 6 आए तो यहाँ पे जब 240 है और इस हिसाब से 6 आएंगे 43 के हिसाब से, 43 गुणा करोगे 6 3 18 1 6 6 24 25 यानी कि 18 फालतू आ रहा है, 18 फालतू आ रहा है और कितने पे आ रहा है, टोटल एवरेज निकाल रहे हैं हम 45 का, तो इसमें डायरेक्ट 45 का भाग दे देते, लेकिन 2 लड़के एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। अब जो 2 लड़के एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो 43 के हैं, ठीक है कितना एवरेज अपना चल रहा है 52, ठीक है तो कितना कम है उसमें 9 कम है, माइनस 9 कितने आ रहे हैं 2, तो कितने का दिक्कत आ रही है माइनस 18, यहाँ पे प्लस 18 हो रहा है यहाँ पे माइनस 18 है, टोटल क्या हो गया 0 का डिफरेंस, तो क्या फ़र्क पड़ेगा एवरेज में, कुछ नहीं। मेरे हिसाब से समझ आने के लिए थोड़ा लॉजिकली था, अगर आपको समझ आता तो अच्छा, वरना ये कैलकुलेशन तो आपको करनी करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि 9 से पूर्णतः विभाज्य संख्या है, इसका मान ज्ञात करना, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 से डिवाइड में आपको पता है कि डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे कह रहा 5 और 6 6 9 15 15 16 16 8 24 24 ही हो रहा है शायद, दोबारा कन्फर्म कर लो, 8 और 9 9 18 18 से 24, ठीक है 24 प्लस समथिंग आना चाहिए, तो आप 9 का जब भाग दोगे तो क्या आएगा 9 दिन 18, तो 6 प्लस समथिंग एक्स प्लस वाई आ रहा है, ये हैशटैग वैशटैग एक्स प्लस वाई मान लिया मैं, तो इन दोनों का योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 तो आ ही रहा है, यहाँ पे 9 और 7 करोगे कितना जाएगा 17 17 6 23, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा ऑब्वियस, उसके बाद 2 2 4 6 8 4 10 नहीं हो रहा, इसके बाद 5 4 9 और 6 15 नहीं हो रहा, 8 4 12 और 6 18 ही हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है इसी के साथ, हाँ इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है सीरीज का, इसके बाद हम नया मॉक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है इन वीडियो से, थोड़ा भी कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि सर ठीक है, बरकरार रखो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय, अपना ख्याल रखो।